सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोस्कॉल चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गेमिंग कंटेंट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 डायनासोर गेम्स और जिनको खेल के आपके बहुत मजा आने वाला है। और भाई अगर आप जुरासिक लवर हो और डायनासोर लवर हो तो क्या है बात, आपकी तो मजे हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको जो गेम बताने वाला हूँ वो एकदम मजेदार होने वाले है, रियलिस्टिक लगने वाले है और आपको मजा तो आने वाला है। और जो मैं आपको गेम बताने वाला हूँ वो तो लो एंड डिवाइसेस वाले भी खेल सकते हैं। तो फिलहाल तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाँ, पर आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने लाल वाला सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो वीडियो इधर ही पॉज हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी दबा दो यार। अच्छा, दबा भी दिया और लाइक भी कर दिया, तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ARK सर्वाइवल इवोल्ड। इस गेम के ग्राफिक्स मुझे इतने प्यारे लगे भाई, पीसी कंसोल लेवल वाले ग्राफिक्स है इस गेम में, वो भी एंड्रॉइड पर। तो इस गेम के बेसिक्स है कि आप एक आइसलैंड पे अटक चुके हो और उस आइसलैंड में बहुत बड़ा जंगल है और डायनासोर भी है, तो आपको उधर सर्वाइव करना पड़ेगा। और आप कुछ भी इस आइसलैंड में ढूंढ के बना सकते हो, मतलब अपना घर, वेपन्स और डायनासोर को तो टेम भी कर सकते हो। और भाई एनवायरमेंट तो एकदम प्यारा ही है इस गेम का। और अगर मैं बात करूँ इस गेम के साइज के बारे में तो ये गेम आपको 2.4 GB में प्ले स्टोर पर अवेलेबल आराम से दिख जाएगा। जरूर इस गेम का साइज थोड़ा बहुत बड़ा है, पर गेम भी वैसा ही है ना, कंसोल लेवल। तो डाउनलोड कर लो और खेल लो, आपको बहुत मजा आने वाला है। मुझे खासकर इस आइसलैंड की वाटर की और अपना जो डायनासोर होते हैं उनकी डिटेलिंग बहुत बढ़िया लगी है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। तो जो सेकेंड पोजीशन पे गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डायनोडेमस। भाई इस गेम के भी ग्राफिक्स एकदम प्यारे हैं और डायनासोर भी एकदम रियल लगते हैं, और स्नो वाला मैप और बाकी भी मैप्स जैसे कि आपको रियल में है वैसे आपको इस गेम में भी दिखाई देते हैं। इस गेम में बेसिकली आपको डायनासोर को टेम करना है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है। और इस गेम की बढ़िया बात, आप उस डायनासोर को टेम करके उस पर बैठ सकते हो और दूसरे डायनासोर के साथ लड़ाई भी कर सकते हो, और आपको तो डायनासोर को फीड भी करना पड़ेगा और उन्हें ग्रो भी करना पड़ेगा। आराम से टेम कर सकते हो डायनासोर को और मल्टीप्लेयर भी मोड अवेलेबल है, तो ऑनलाइन दोस्तों के साथ खेल भी सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इस गेम के साइज के बारे में तो ये आपको 90 MB में प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा, तो इतना अच्छा गेम और इतने कम साइज तो सोने पे सुहागा है। तो एक बार इस गेम को जरूर खेलो, आपको बहुत मजा आएगा। तो जो नेक्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है जुरासिक मॉन्स्टर वर्ल्ड। अगर मैं बात करूँ इस गेम के बारे में तो ये गेम आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देने वाला है। बेसिकली एक TDM होने वाली है पर आपके डायनासोर को लेकर, और आप अपने डायनासोर को कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब उनके वेपन्स कस्टमाइज कर सकते हो। हाँ, और TDM है मतलब तो ऑनलाइन भी है, मतलब मल्टीप्लेयर भी है, तो आप दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। और इस गेम की ग्राफिक्स भी बहुत बढ़िया है, आपको खेलने में बहुत मजा आने वाला है। और अगर मैं इस गेम की साइज की बात करूँ तो ये आपको 1 GB से कम में ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको TDM गेम पसंद है तो चलो ये गेम तो खेल ही लो, क्योंकि ये गेम आपको अलग एक्सपीरियंस TDM का दिलाने वाला है। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो जो फोर्थ पोजीशन पे गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डायनो हंटर। बाकी आपको नाम से तो पता चल ही गया होगा कि आपको इस गेम में डायनासोर को हंट करना है, आपको अलग अलग गन खरीदने हैं और अपने डायनासोर को मार देना है। पर इस गेम को खेलते वक्त बचकर रहिए, क्योंकि वो भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। हाँ, तो जरा अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है, आपको एक जंगल जैसा मैप दिया गया है और भाई बहुत सारा मजा है और ग्राफिक्स भी मतलब ठीक ही है, अच्छे है। इस गेम में डायनासोर की मूवमेंट बहुत बढ़िया दिखाई गई है, इसलिए मैंने इस गेम को पोजीशन पे रखा है। और अगर मैं बात करूँ इस गेम के साइज के बारे में तो ये आपको 274 MB में प्ले स्टोर पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और आप अगर हंटिंग गेम में इंटरेस्टेड है तो ये गेम आपके लिए बना है, तो ये गेम एक बार ट्राई करना। बाकी हम बढ़ते हैं लास्ट गेम की तरफ। तो जो लास्ट पोजीशन पे गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है जुरासिक वर्ल्ड द गेम। तो बेसिकली इस गेम का कंसेप्ट है कि आप एक जुरासिक वर्ल्ड आपका है और आप उसे कैसे कंट्रोल करते हो वो आपके हाथ में है। तो आपको अपना ड्रीम जुरासिक वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, डायनासोर को फीड करना पड़ेगा, उनकी लेवल अप करना पड़ेगा और आप TDM भी खेल सकते हो, वो भी अपने डायनासोर के साथ।
और उन्हें आप लेबोरेटरी में जाके इवॉल्व भी कर सकते हो। तो इस गेम की ग्राफिक्स भी बहुत बढ़िया है, खासकर फाइटिंग वाले ग्राफिक्स, तो एक बार जरूर ट्राई करना इस गेम को। बाकी अगर मैं बात करूँ इस गेम के साइज के बारे में, तो ये आपको 26 MB में प्ले स्टोर पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इतने कम MB में कौन सा गेम इतना बढ़िया मिलता है? हाँ, तो जरूर इतने कम MB में इतना बढ़िया गेम अवेलेबल होना मुश्किल है, इसलिए ये गेम ओपन होने के बाद थोड़े से बाद MB लेता है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। हाँ तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए गेम के। और मैंने हर गेम की जो लिंक होती है डाउनलोड लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में और भी धमाकेदार कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।